हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, क्या आप जानते हो कि अयोध्या का क्या इतिहास रहा है? तो चलिए जानते हैं कि क्या इतिहास है अयोध्या का, क्या इतिहास है राम जन्म भूमि का। तो जैसा कि हमें पता है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को माना जाता है, ठीक है, लेकिन इसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? तो इसके प्रमाण हमें मिलते हैं 100 ईसा पूर्व जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए और अपनी थकावट को दूर करने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। तो उस समय वो देखते हैं कि वहां उस जंगल में कुछ चमत्कार हुआ। उसकी खोज में वो पहुंच जाते हैं कुछ साधु संतों के पास, और उनके पास पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जो भूमि है, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उस समय राजा विक्रमादित्य यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद बहुत सारे राजा आते हैं और उस मंदिर की देखरेख करते हैं। इसके बाद समय आता है 1527 से 1528 का, जहां राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था, और इसे ही बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब समय आता है 1855 का। 1855 के समय पर जब हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार थी, तो उस समय इस मंदिर के अंदर मुसलमानों को नमाज अदा करने की, और मंदिर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था जहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की इजाजत मिली। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उस समय की तात्कालिक सरकार ने इस मुद्दे को तूल देना बेहतर नहीं समझा। इसके बाद समय आता है 1980 का, जब भारत में बीजेपी सरकार आई और राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें तेज हो गईं। समय बदलने लगा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी एक बैठक करते हैं और सीतामणि से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन उस समय 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, और हत्या के बाद इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। अब आते हैं 1992, 6 दिसंबर 1992 का समय, जब उत्तर प्रदेश में सीएम के पद पर यानी मुख्यमंत्री के पद पर थे कल्याण सिंह और प्रधानमंत्री के पद पर थे नरसिम्हा राव। कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि वो मस्जिद के ढांचे को कुछ भी नहीं होने देंगे, लेकिन अयोध्या में भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ के बेकाबू होने पर भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया, और इस तरह से शाम के 5 बजे तक तीनों गुंबदों को गिरा दिया गया। गुंबदों के गिरने के बाद 1.5 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद सीएम ने यानी मुख्यमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सालों तक कोर्ट में विवाद चलता रहा। यहाँ पर एएसआई को जांच करने के आदेश दिए गए। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस जगह पर राम मंदिर होने के सबूत मिलते हैं, और इस तरह से कोर्ट ने ये फैसला किया कि इस विवादित जमीन को यानी राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। और इस प्रकार से राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से राम जन्मभूमि ट्रस्ट, सुम्मी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, इन तीनों को ये जमीन बराबर बराबर हिस्सों में दे दी गई। परंतु इन तीनों ने इस जजमेंट को मानने से मना कर दिया, और 2011 में ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद एक पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे भी जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन सारे दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है, और फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े हुए सारे पक्षों की सुनवाई पूरी होती है, और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन रामलला यानी राम जन्म ट्रस्ट को दे दी जाए। तो बच्चों, ऐसा इतिहास रहा है हमारे रामलला का, राम जन्म भूमि का। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और यह दिन
सभी सनातनियों के लिए एक गौरव का दिन है। जैसा कि हमारे वर्तमान के पीएम और सीएम यानी प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के आदेश के अनुसार हमें ये दिन दिवाली की तरह हर्ष और उल्लास के साथ मनाना है। आपस में भाईचारा रखें, दोस्ती रखें और अच्छे संबंध रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करें। तो चलो बच्चों, हम भी 22 जनवरी को दिवाली मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।